क्या आप जानते हैं कि पिज्जा हमेशा गोल ही क्यों बनाया जाता है, या फिर क्या आपको पता है कि मकान बनाते वक्त नींव में चांदी के नाग नागिन क्यों डाले जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसी खौफनाक घटना भी घटी है जिसमें 2000 लोग पत्थर में तब्दील हो गए थे? और क्या आप पैन पिस्टल के बारे में जानते हैं जो लिखते लिखते ले लेता था इंसान की जान? आइए जानते हैं इन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, चीन की तरह ही पाकिस्तान में भी कुछ बहुत ही घिनौनी डिशेस का सेवन किया जाता है, जिसमें एक डिश का नाम लैम टेस्टिकल्स कबाब यानी भीड़ के अंडकोश से बना कबाब है। इस डिश को बनाने के लिए युवा भीड़ के अंडकोश को कोयले में पकाया जाता है और फिर उसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके कबाब की तरह फ्राई किया जाता है, जिससे पाकिस्तान के लोग बहुत ही चाव के साथ खाना पसंद करते हैं। यह डिश पाकिस्तान के महंगे रेस्टोरेंट्स के साथ स्ट्रीट फूड के रूप में भी बिकती है, जिसे सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, मध्य प्रदेश के रीवा किले में स्थित म्यूजियम में एक पेन रखा गया है जो लिखते लिखते इंसान की जान ले सकता है। दरअसल यह एक पेन पिस्टल है जो बाहर से दिखने में पेन की तरह लगता है, लेकिन असल में पिस्टल का काम करता है। इस पेन पिस्टल को रीवा के महाराजा गुलाब सिंह ने खास तौर से इंग्लैंड से मंगवाया था, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे और लेखन से संबंधित कार्य करते थे। इस पेन पिस्टल की खासियत ये थी कि राजा इसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए कर सकते थे, जिसकी मदद से कई बार फायरिंग की जा सकती थी। इस पेन पिस्टल से निकलने वाली एक गोली किसी भी इंसान की जान ले सकती थी, जबकि इसका वजन सामान्य पिस्टल के मुकाबले काफी कम होता था और यह गुप्त हथियार के रूप में महाराजा गुलाब सिंह की रक्षा करता था। फैक्ट नंबर 3, इटली के पोम्पी शहर में माउंट वेसुवियस नामक एक ज्वालामुखी मौजूद है, जिसमें 79 एडी के दौरान जबरदस्त धमाका हुआ था। उस वक्त पोम्पी शहर में लगभग 11,000 लोगों की आबादी निवास करती थी, जिसमें से लगभग 2,000 लोग ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से मर गए थे। इस ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लगभग 2 दिनों तक गर्म लावा, राख, काला धुआं और जहरीली गैस रिलीज हो रही थी, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का दम घुटने लगा था और उनकी मौत हो गई थी। ऐसे में 2 दिन तक हवा में उड़ने वाली राख धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा होने लगी थी, जो उन मृत लोगों के जले हुए शवों पर मजबूती के साथ चिपक गई थी। ऐसे में मृतकों के शव पत्थर में तब्दील हो गए थे, क्योंकि राख शरीर से चिपकने के बाद ठोस हो चुकी थी। वहीं धुएं से निर्मित काले बादलों ने कई दिनों तक शहर की जमीन तक धूप नहीं पहुँचने दी थी, जबकि इस विस्फोट की वजह से लोगों के घर, निजी संपत्ति और फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। बताया जाता है के विस्फोट के बाद शहर का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का शरीर चंद मिनटों में जलकर खाक हो गया था। हालांकि साल 1944 से इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं हुआ है, जबकि पहले हुए धमाकों की वजह से शहर की मिट्टी काफी उपजाऊ है और खेती करने के लिए बेहतरीन मानी जाती है। फैक्ट नंबर 4, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग जब नया घर बनाते हैं तो नींव डालने से पहले जमीन की पूजा की जाती है और इस दौरान जमीन के अंदर चांदी से बने नाग नागिन डाले जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जमीन के अंदर पाताल लोक है, जिसके एक भाग में नागलोक स्थित है। वैसे तो नागलोक के राजा वासुकी नाग हैं, लेकिन उनके बड़े भाई शेषनाग को संसार में मौजूद समस्त नाग नागिन का राजा माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि शेषनाग के फन पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, जिसकी वजह से जमीन पर घर बनाने से पहले नींव में कलश या फिर चांदी के नाग नागिन बनवा कर डाले जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से शेषनाग प्रसन्न हो जाते हैं और उस घर की रक्षा करते हैं, जबकि इससे घर की नींव मजबूत हो जाती है और परिवार के लोगों पर किसी प्रकार का संकट नहीं मंडराता है। फैक्ट नंबर 5, भारत समेत दुनिया भर में पिज्जा लवर्स की कोई कमी नहीं है, जिसे हमेशा गोल आकार में बनाया जाता है। दरअसल शुरुआती दौर में पिज्जा को इलेक्ट्रिक ओवन में नहीं बल्कि आग की भट्टी में पकाकर तैयार किया जाता था। ऐसे में मैदा को गोल आकार देने से पिज्जा हर तरफ से बराबर और जल्दी पक जाता था, जबकि पिज्जा को टुकड़ों में काटना भी आसान होता था। पिज्जा को गोल आकार देने का आइडिया रोटी से लिया गया था, क्योंकि गोल शेप की रोटी जल्दी और हर तरफ से पक जाती है। हालांकि बीतते समय के साथ इलेक्ट्रिक ओवन चलन में आ गए, लेकिन पिज्जा का आकार आज भी गोल है, ताकि उसे कम समय में चारों तरफ से अच्छी तरह से पकाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।